बदलते लाइफस्टाइल और गलत खानपान और दूसरी कई वजहों से लोगों में थायराइड की समस्या आम हो चली है। खासकर महिलाओं में बीमारी ज्यादा देखी जा रही है। थायराइड गले के निचले हिस्से के बीच एक तितली जैसे आकार की छोटी सी ग्रंथि होती है जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में मदद करती है, और जब ये ग्रंथि बहुत कम या बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन का उत्पादन करने लगती है तो वजन तेजी से बढ़ने लगता है या फिर कम होने लगता है। इस वीडियो में आपको बताते हैं कि इस बीमारी को कैसे बाजार में आसानी से उपलब्ध होने वाली हरी सब्जियों के सेवन से नियंत्रित कर सकते हैं। एक बड़ा चम्मच नारियल तेल, एक कटा हुआ प्याज, दो कली लहसुन, दो गाजर जो क्यूब के आकार में कटे होने चाहिए, एक कप कटा हुआ मशरूम, चार कप सब्जी का शोरबा, एक कप कटा हुआ पालक, एक छोटी चम्मच हल्दी, एक चम्मच अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च भी स्वाद अनुसार लेंगे और एक ताजा नींबू का रस। आइए आपको बताते हैं कि इस हेल्दी सूप को बनाने की विधि क्या है। सूप बनाने के लिए सबसे पहले मध्यम आंच पर एक बड़े बर्तन में नारियल का तेल गरम कर लें। अब इसमें प्याज और लहसुन डालकर हल्का फ्राई कर लें। अब इस बर्तन में गाजर, अजवाइन और मशरूम डालें। कुछ मिनट के लिए इसे फ्राई करें जब तक सब्जियां नरम ना हो जाएं। अब इस मिश्रण में सब्जी शोरबा डालें और अच्छे से उबाल लें। एक उबाल आने के बाद गैस की आंच को धीमा कर दें और लगभग 20 से 25 मिनट के लिए इसे गैस पर पकने के लिए छोड़ दें। इसके बाद स्वाद अनुसार नमक, काला मिर्च और ताजा नींबू का रस डालकर इसका आनंद लें। डाइटिशियंस की माने तो हरी सब्जियों का सूप न केवल थायराइड कंट्रोल करने में सहायक होता है बल्कि इसके सेवन से कब्ज, थकान और त्वचा संबंधी बीमारियों से भी निजात मिलती है। यानी बस कुछ ही पैसों के घरेलू नुस्खे में छिपा है कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान।